नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपका टेस्ट लिया था। आज इसके हम सॉल्यूशन करेंगे जो पिछले वीडियो में आपका टेस्ट हुआ था। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, पहला क्वेश्चन था, देखिए ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, एफ बराबर आपको दिया था कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई हो तो आपको निकालना था एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस का वाई कर ली एफ अपॉन कर ली वाई बराबर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन थे, देखना साथ में लिख देते हैं, 2f, तीसरा था साइन एफ और चौथा था टेन एफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऐसा इनवर्स के अंदर हो तो उसे पहले इस रूप में कन्वर्ट करो साइन एफ। ठीक है, बराबर क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई। अब देखो आप यहां पर एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर आपने कॉमन लिया, यहां से नीचे एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा वन प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वेयर, नीचे भी वन प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये बन गया आपका एक्स की एक पावर का समघात फलन और इसे आप मान लीजिए यू के बराबर। ठीक है, पूरे फंक्शन को हमने यू के बराबर मान लिया, यू बराबर क्या हो गया साइन एफ। तो आप निकाल सकते हैं क्या डेल एक्स, आपको एफ अपॉन एक्स निकालना था, तो सबसे पहले आप देखो इसका अवकलन करोगे, आपको जो चीजें निकालनी है उस हिसाब से चीजें निकालो। और आयलर प्रमेय आपको पता होगा जो स्टेटमेंट है, आयलर प्रमेय वाला स्टेटमेंट यहां पर डायरेक्ट आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखो आयलर प्रमेय से क्या होती है, आयलर प्रमेय एक्स जो भी कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस का वाई कर ली एफ अपॉन कर ली वाई बराबर एन यू, एन यू। अब देखो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू वन है और यू की वैल्यू क्या है, यू देखो ये पूरा माना है, यू बराबर क्या है साइन एफ। ये तो फंक्शन हो गया और फंक्शन ये टोटल मान्य होगा। ठीक है ना, साइन एफ। अब देखो अवकलन कर दो, सबसे पहले इसका हम एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष करोगे तो कोस एफ और कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई, ऐसा ही कोस एफ यहां आ जाएगा, कर ली एफ अपॉन कर ली वाई बराबर साइन एफ, इधर कुछ करना ही नहीं। देखो कोस एफ दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली एफ अपॉन कर ली वाई बराबर क्या आ गया टेन एफ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फटाफट देखो क्वेश्चंस को, एक मिनट इसके अंदर लिख लो, एक बार लिखना चाहता है वो, फिर आगे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। फटाफट लिख लो इसको, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। सारे क्वेश्चन सरल हैं और ऐसे ही एग्जाम के अंदर आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगी चीज़ें। पिछले सालों में ही ऐसी ऐसी चीज़ें आती आई हैं और ऐसे ही आगे आती रहेंगी, क्योंकि टॉपिक्स में से क्वेश्चन ही यही बनता है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के दूसरे पेपर की तो तैयारी आप यहां पर कर रहे हैं मेरे चैनल द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आप पहले पेपर की जो जीके वाला पेपर है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में हैं सेकेंड ग्रेड में हैं, उसकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जिसके बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं और समय समय पर आपको गाइडेंस मिलती है, लाइव क्लासेज होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, नोट्स आपको मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहां पर मिलता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी वहां सिलेक्ट कर दीजिए। अब ऐसा आपने सेलेक्ट कर दिया तो आरपीएससी आप एक सब्सक्रिप्शन से, यानी आपने आरपीएससी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया उससे आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप हर पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और आपको तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से मजबूत होगी। और यहाँ समय समय पर आपके लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट बेंचेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, RS के बेंचेज, ये भी समय समय पर आते रहते हैं, तो इनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड करें, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड GBK10 कोई भी कोर्स लें तो ये कोड जरूर लगाइए, आपको 10% डिस्काउंट कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर दो। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो, और क्या कहता है
कि आपको दिया है z बराबर log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर हो तो x कर ली z अपॉन कर ली x प्लस y कर ली z अपॉन कर ली y बराबर क्या होगा। ठीक है, स्पष्ट है आयलर प्रमेय से। आपको सबसे पहले देखो यहां देखते ही पता चल जाएगा क्या होगा। तो देखो log को इधर लिया है e की पावर z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो ये x की पावर 2 का समघात फलन हो गया ना, x स्क्वायर यहां पर कॉमन लोगे तो y अपॉन x। तो यहां देखते ही पता चल गया कि यहां पर जो आयलर प्रमेय ये कथन तो आयलर प्रमेय के बराबर है, तो इसके बराबर n u होता है। n n की वैल्यू क्या है 2 2 u, ये आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा। और इसके अंदर ऑप्शन भी था आपका कि कितने पावर का समघात फलन है, तो ये देखो 2 घात का समफलन है, तो 2 ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो u यहां से u क्या था e की पावर z, और अवकलन करोगे तो e की पावर z यहां भी आएगा और आगे भी आएगा, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री था। देखना y की पावर x, ये मैंने क्लास के अंदर करवाया भी था और कहा कि इंपॉर्टेंट है, बनने के चांसेस है इसके, हो तो dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा, इसका मान निकालना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि dy अपॉन dx मैंने कराया था, ये कर ली f अपॉन कर ली x, कर ली f अपॉन कर ली y, तो दोनों निकालो, पहले कर ली f अपॉन कर ली x आप निकालोगे, तो x अपॉन निकालो, ये क्या हो गया फिर y अचर हो गया, x की पावर a वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर a का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर है इट इज log a, a की जगह क्या है y, प्लस का यहां क्या होगा x की पावर n, y कांस्टेंट है तो y आगे x माइनस x y की पावर माइनस वन बराबर कांस्टेंट है, तो यहां जीरो हो गया। ठीक है, दूसरा देखना, अब निकालना है ये, तभी तो यहां पर आया है x कर ली f अपॉन कर ली x या जो भी है यहां पर। अब देखो कर ली f अपॉन कर ली y, इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, y के सापेक्ष करेंगे तो ये देखो x क्या होगा इस पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होगा तो ये आगे आया y x माइनस वन। ठीक है, प्लस का अब देखो x क्या है कांस्टेंट, a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला क्या होता है x की पावर y log x। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गए, दोनों इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, dy अपॉन dx माइनस का माइनस फॉर्मूले में है तो कर ली f अपॉन कर ली x क्या था y की पावर x log y प्लस y x y माइनस वन और अपॉन में क्या है x y की पावर x माइनस वन x की पावर y log x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो चार, क्वेश्चन नंबर फोर देर का था कि माना u बराबर है। अब देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स के अंदर तो मैंने दे दिया था लेकिन करवाया नहीं था ये, और मैंने सोचा था कि इसको टेस्ट के अंदर देंगे ताकि आप अच्छे से सिक्स को। तो आपको ये फंक्शन दिया है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, तो सबसे पहले इसको t जो आपको तीन चर वाले फलन बनाने थे ना उसमें बन सकता है, तो y माइनस जेड को आपने t1 मान लिया, z माइनस एक्स को t2 मान लिया और x माइनस वाई को मान लिया t3, तो ये फंक्शन क्या बन गया u बराबर f t1 t2 t3। अब देखो आपको जो ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना है डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल z बराबर क्या आएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे रखे थे 3 2 1 0, इनमें से कौन सा आएगा तो ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपने ये मान लिया, अब आपको पता है कि डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x बराबर क्या होगा, देखो ये ऊपर रहेगा डेल u अपॉन डेल t1। ठीक है, अब जो t1 वाला बचा है उसका आपको करना है x के सापेक्ष, तो डेल t1 अपॉन डेल x प्लस का ऐसा ही y के लिए डेल t2 डॉट डेल t2 अपॉन डेल x। ठीक है, प्लस का डेल u अपॉन डेल t3, सभी के लिए होगा ना, जितने भी इसके अंदर फंक्शन है सभी का आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो सभी के साथ ऐसा होगा डेल t3 अपॉन डेल x। तो देखो यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, डेल u अपॉन डेल x आपके पास आ गया, देखो डेल u अपॉन डेल t1, तो ये तो रहेगा ऐसा कैसा। ठीक है, अब आपको निकालना है डेल t1 अपॉन डेल x, तो t1 की वैल्यू क्या थी y माइनस z और x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करोगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा, जीरो ना,
क्योंकि एक्स है ही नहीं यहां पर, तो ये हो गया इनटू में जीरो प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू। तो ऐसा कैसा, क्योंकि यू के सापेक्ष आप इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो ये ऐसा ही रिजल्ट देगा। अब देखो डेल टी टू अपॉन डेल एक्स, डेल टी टू अपॉन डेल एक्स क्या है, जेड माइनस एक्स है और इसका एक्स के सापेक्ष करोगे तो माइनस का वन आगे आ जाएगा, ठीक है। प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री और डॉट डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स, डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स ये रहा, और इसका करोगे तो यानी इसके इसका होगा एक्स का, तो एक्स का हो गया वन। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया देखना, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, ये जीरो हो गई, ये हो गया माइनस का डेल यू अपॉन डेल टी टू और ये प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। देखो इसको समीकरण नंबर एक दे देना, ऐसे ही आपको सारी वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही सारी वैल्यू। अब देखो कौन सी निकालेंगे अपन, ये तो निकाल दी, तीनों को वैल्यू निकालनी है, तीनों को जोड़ना है। देखो ये निकाल दी, अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, देखो यहां पर यही निकाल देते हैं। अब अपन डायरेक्ट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इसी तरह क्या होगा देखना, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल टी वन आएगा, डेल यू अपॉन डेल टी वन इसका अब वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है ना, देखो वाई माइनस जेड तो वाई के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करोगे तो एक वैल्यू आएगी, तो एक लिख दी। प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी टू और इंटू में कौन सा आएगा, डेल टी टू अपॉन डेल वाई, टी का वाई के सापेक्ष, टी का वाई के सापेक्ष, तो देखो यहां पर क्या है जेड माइनस एक्स, वाई नहीं है तो ये आपका जीरो हो गया। आगे देखो डेल यू अपॉन डेल टी थ्री और इसकी वाई के सापेक्ष करोगे तो माइनस का वन यहां पर आपके पास आ गया। तो देखना डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ गया आपके पास, एक तो डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस का डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, ये समीकरण नंबर दो बन गया, ठीक है। अब देखो आगे ये निकाल लिया ना, अब तीसरा और निकालते हैं, ऊपर निकाल देता हूं मैं और तीनों को फिर जोड़ देंगे। डेल यू अपॉन डेल जेड और निकालना है, तो देखो डेल यू अपॉन डेल टी वन इसका जेड के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा माइनस का वन, प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू, टी टू यानी इसका करोगे इसका क्या आएगा वन और आगे वाला इसके अंदर जेड है नहीं तो ये पूरा ही जीरो हो गया। तो ये आपके पास होगी डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस का डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू, ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर तीन। तीनों को जोड़ दो समीकरण एक दो तीन, देखो ऐसा रिजल्ट निकालना है, ऐसा रिजल्ट निकालोगे तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा और तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल जेड। अब देखो तीनों डायरेक्ट यहां से आप जोड़ सकते हैं, देखना यहां पर माइनस का डेल यू अपॉन, एक बार लिख लो सभी अच्छे से ऐड हो जाएगा, प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी थ्री प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस का डेल यू अपॉन डेल टी थ्री माइनस का डेल यू अपॉन डेल टी वन और प्लस का डेल यू अपॉन डेल टी टू। तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया, देखो प्लस से माइनस वाला और डेल यू अपॉन डेल टी थ्री से माइनस वाला और इससे ये, तो यानी टोटल रिजल्ट आपको क्या मिला है जीरो, और जीरो आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर चार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीख रहे हो ना चीजें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या था कि u बराबर आपको दिया था कि एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर और x बराबर आपको दे दिया log t और y बराबर दे दिया e की पावर t हो तो ये हो तो आपको डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, डी यू अपॉन डी टी क्या आएगा ये वैल्यू निकालनी थी। तो देखो डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी क्या होगा, देखो इसके सापेक्ष पहले इसका एक्स के सापेक्ष होगा ना, देखो क्योंकि एक्स में है फिर उसके बाद टी के अंदर है तो पहले एक्स के सापेक्ष और फिर आपको करना है इस डी का, तो डी एक्स बाई डी टी क्योंकि ये टी के रूप में है। प्लस अब देखो इसके अंदर वाई भी है तो डेल यू अपॉन डेल वाई के सापेक्ष करोगे डॉट डी वाई अपॉन डी टी। तो देखो जो रिजल्ट आ रहा है वो लिख दो डी यू अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखो इसका करोगे तो टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी यानी इसका करना है लॉग का आप अवकलन करोगे तो वन अपॉन टी। प्लस देखो डेल यू अपॉन डेल वाई तो ये आ गया टू वाई
और डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी e की पावर t का e की पावर t। अब देखो x की जगह आप क्या रख सकते हो, log t, तो यहां पर ये वैल्यू रख सकते हैं आप डी यू अपॉन डी टी, तो 2 log x बाई टी टी लॉग टी, सॉरी टी आएगा, और प्लस का 2 y की जगह e की पावर t, e की पावर t और e की पावर 2 e की पावर 2t, ठीक है। और ये log ये ऊपर भी जा सकता है, ये देखो log m की पावर n वाला फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो यहां पर ये वैल्यू भी आपको मिल सकती है, टी के रूप में ही ज्यादा आपको निकालना है, बाकी एक्स की वैल्यूज वो भी यहां यहां तक भी रख सकते हैं, जो ऑप्शन है उस हिसाब से आपको करना था, ठीक है। तो ये आपका पांचवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, शेयर किया करो दोस्तों, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए देखो यूट्यूब पर भी ये सब कुछ चीजें आ रही हैं। यदि यू बराबर आपके पास एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर है तो आपको निकालना है, सबसे पहले दे रखा है कि जहां एक्स बराबर आपको दे रखा है क्या है टी स्क्वायर और वाई बराबर दे दिया टी क्यूब, हो तो आपको वही हो तो डेल यू अपॉन डेल टी बराबर क्या आएगा, तो वही फॉर्मूला सेम टू सेम आपके ऑप्शन भी दे रखे थे कि क्या ऐसा आएगा 22 टी की पावर 23, बी ऑप्शन था देखो क्या था 14 टी की पावर 13 और सी ऑप्शन था 22/23 टी की पावर 11, ठीक है। ऐसे ऑप्शन दे रखे थे तो आपको आ देखना डेल यू अपॉन डेल टी तो क्या होगा डेल यू अपॉन डेल टी, तो वैसा ही जो चीजें आपको निकालनी थी सेम टू सेम वो फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा डेल यू अपॉन डेल एक्स और डॉट एक्स का टी के सापेक्ष, या डी एक्स बाई डी टी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि देखो x केवल मात्र t का फंक्शन है, तो आप आंशिक करें या पूर्ण करें, यहां भी du by dt पूछ सकता है, जो भी पूछे उस हिसाब से फॉर्मूला एक ही होगा। ऐसे ही डेल u अपॉन डेल y डॉट dy अपॉन dt, तो देखो डेल u अपॉन डेल x यानी इसका आपको x के सापेक्ष करना है, तो 4 x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 4x क्यूब और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऐसा कैसा रह जाएगा dx by dt, अब इसका जो यहां पर देर का है dx by dt यानी इसका t के सापेक्ष, तो क्या होगा डॉट 2t प्लस का डेल u अपॉन डेल y, अब इसका y के सापेक्ष तो 2y x की पावर 4 du by dt, du by dt करेंगे तो डॉट 3t स्क्वायर, अब जो वैल्यू है x की वैल्यू यहां पर रखो, x की वैल्यू क्या थी t स्क्वायर, तो 4 दुए देखो 4 दुए 8 8 x की जगह रखना है t स्क्वायर, तो ऊपर है 3 पावर तो यानी t की पावर 6, y की जगह रखना है t क्यूब, ऊपर भी क्या है स्क्वेयर है तो यानी टी की पावर 6 भी आगे आ गया और आगे है टी प्लस का 2, यहां क्या रखोगे टी क्यूब, एक्स की जगह टी स्क्वेयर रखना है तो यहां कितना हो जाएगा टी की पावर 8 और ये हो गया आपका 3 टी स्क्वेयर, तो देखो ये टी जोड़ोगे 3 8 11 और 2 13, ये भी 13, यहां भी देखो 6 और 1 7 6 13, तो ये हो गया 8 टी की पावर 13 प्लस का 6 t की पावर 13 और यहां दोनों को ऐड करोगे तो देखो 14 t की पावर 13, 14 t की पावर 13 कहां है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कर लिया ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या था कि आपको दिया है कि f एक्स कोमा वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो तो आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितनी वैल्यू पर, 0 और -1 यानी एक्स की वैल्यू 0 रखनी है और वाई की वैल्यू -1 का मान क्या होगा, का मान है तो ये आपको ज्ञात करना है, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं 0 होगा क्या, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -1 होगा, तीसरा दे रखा है कि 1 होगा, चौथा दे रखा है कि 2 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना आता है, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप डायरेक्ट निकाल दोगे क्या होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो इसका आप अवकलन करोगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वेयर, अब इसका करोगे तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से यहाँ पर एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो माइनस का वाई एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर, अब देखो क्या रखना है, कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स,
जीरो माइनस वन, यानी एक्स की जगह तो जीरो और वाई की जगह माइनस वन। तो देखो एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह माइनस वन, तो देखो माइनस वन वाई की जगह रखोगे माइनस से माइनस से प्लस वन। नीचे देखो ये एक्स की जगह जीरो और यहां माइनस वन वाई की जगह, तो माइनस वन की होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का वन। तो देखो एक रिजल्ट आ गया, एक कौन कहां है ये रहा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट, फलन दे रखा है आपको एफ एक्स कोमा वाई बराबर है ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वेयर, प्लस का बी वाई स्क्वेयर का मान पूछा है। एक्स कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई कर ली एफ अपॉन कर ली वाई बराबर क्या आएगा। ठीक है इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एफ दूसरा ऑप्शन था 2f, तीसरा था 3f और चौथा था आपके पास 4f। ठीक है देखो क्या पूछा है, x कर ली f अपॉन कर ली x प्लस y कर ली f अपॉन कर ली y। अब ध्यान से देखो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है तो इसको देखते ही बता दोगे। देखो ये किसकी पावर का समघात है, दो की ना, तो एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया। ठीक है बाकी ये अंदर फलन बन गया। अब देखो एक्स की पावर दो का, तो यानी टू F आएगा आपका आंसर। तो देखो कहां पर है 2F, ये रहा। बस डायरेक्ट आप 5 सेकंड ही नहीं लगेंगे, देखते ही बता दोगे, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं है ना, जिसको अगर नहीं आता ऐसे तो आप सोल्व करके देख सकते हो। बाकी ये तरीका बेस्ट है, कितने पावर का समघात फलन है वही आपको अगर आइदर पर में पूछी है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था कि आपको जेड बराबर दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे था एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो आपको यही वैल्यू वैसा का वैसा यानी कर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई कर ली जेड अपॉन कर ली वाई बराबर क्या आएगा। अब देखो यहां पर डायरेक्ट देखना है, तो देखो साइन जेड यहां आ गया, यहां बचा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालोगे, अंडर रूट से एक्स स्क्वेयर कॉमन, बाहर क्या आया एक्स, एक्स देखो अंदर बच गया वन प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वेयर ऊपर है अंडर रूट। नीचे देखना एक्स यहां पर कॉमन निकालोगे वन प्लस का वाई, देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये कितने पावर का समघात फलन हो गया आपका, एक्स की पावर जीरो, जीरो घात का समघात फलन है, तो जीरो का है तो आइलर पर में आपसे वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट जीरो आंसर आ जाएगा। और आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10 कि जेड बराबर एक्स वाई, एक्स वाई है एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है तो आपको यही आइलर पर में से वैल्यू निकालनी है वाई कर ली, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे देखने ना। देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहां पर कितने पावर का है देखना समघात, एक दो, यानी दो घात का समघात फलन है, एक्स वाई दोनों जुड़ेंगी, केवल मात्र एक्स नहीं, अब तक हम पढ़ रहे थे यहां पर एक्स वाई आ जाए तो दोनों एक्स और वाई दोनों की पावरें जुड़ेगी, तो दोनों की जुड़ेगी तो 2f आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जेड है ना तो 2z, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दो फलनों का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ है ना, ये टॉपिक एक क्वेश्चन आता है उसमें से और एक दो क्लास का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अनंत सुपर सी। तो इसके अंदर इतना ही, दो तीन टॉपिक है, एक दो टॉपिक और होगा समाकलन वाला है, बीटा गामा फंक्शन वाले, तो ऐसे ही तीन चार टॉपिक हैं। अब रफ्तार पकड़ जाएगी, अब चीजें देखिए, जो आपका बड़ा बड़ा पोर्शन था वो लगभग हमने देखो अवकल समीकरण आपकी बुक बड़ी थी, आपकी ग्रुप थ्योरी बड़ी थी और आपकी एक रियल एनालिसिस भी थोड़ी ठीक है, उसमें ही टाइम लगेगा, बाकी बुकों के अंदर 10-10 दिनों के अंदर बुकें कंप्लीट होगी, तो लगभग जल्द ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो देखना कितनी रफ्तार से हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बस ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखें और पूरा YouTube पर कंप्लीट कोर्स सेकंड ग्रेड का विद टीचिंग मेथड्स भी आएंगे, टेस्ट सीरीज भी है आपकी, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन भी साथ साथ में मिल रहे हैं सोल्यूशन के साथ, तो कहाँ दिक्कत रहेगी, सब कुछ तो यहाँ पर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों आपको बेवजह के 20-25-25,000 रुपए देने में क्या आपको राम बढ़ता है आपका, ऐसे 20-25,000 रुपए कुछ नहीं, किसी को नहीं करने, केवल मात्र यहां पर फ्री ऑफ कोर्स चीजें मिल रही हैं, तो अच्छे से इनका बेनिफिट उठाएं। ठीक है चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।